मुरादाबाद के निर्यातकों व कारीगरों के विषय में होने वाली मुश्किलों के संबंध में मुरादाबाद के डॉक्टर सांसद एसटी हसन ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा कि शहर के विकास और हस्तशिल्प उद्योग की प्रगति के लिए आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि विश्व में हमारा शहर मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। वहीं शहर की आबादी 10 लाख से अधिक हो चुकी है। एक तरफा रामगंगा नदी है, दूसरी तरफ रेलवे लाइन है। बीच में तो नहीं, आबादी अधिकता नगरवासी हस्तशिल्प उद्योग से हुए हैं। वहीं हस्तशिल्पी अपने घरों में काम करते हैं, इसलिए उद्योग कर्टिजन इंडस्ट्री के नाम से विख्यात है। यहां से बड़ी बड़ी मात्रा में टैक्स उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को जाता है और हमारे शहर में कुटीर उद्योग के चलते 8 दिन अपने परिवार के साथ दर्जा भट्टी व पॉलिश की मशीन से आइटम तैयार करते हैं। वहीं अगर प्रदूषण नियंत्रण के चलते भट्टी और पॉलिश की मशीनों को पाबंद किया जाए तो वहीं कुटीर उद्योग की लुप्त हो जाएगा। इसलिए सरकार से निवेदन है कि वे इसकी ओर ध्यान दें। देखिए, एक्सपोर्टर कोऑर्डिनेशन का सोसाइटी की तरफ से हम लोग आए थे। मुरादाबाद की एक बड़ी बहुत बड़ी समस्या ये है कि अचानक गरीब लोगों की भट्टियां बंद की जा रही हैं पॉल्यूशन के नाम पर या इधर उधर और बहाने बनाकर। हम ये कहना चाहते थे कि जब तक कोई अल्टरनेटिव अरेंजमेंट ना हो, गैस का इंतजाम ना हो, उस वक्त तक इतनी मोहलत दे दी जाए कि ये गरीब लोग अपना काम कर सकें। और क्योंकि ये बुनियाद है यहाँ के पूरे कारोबार की, एक्सपोर्ट की भी ये बुनियाद है, इसकी वजह से पूरा एक्सपोर्ट के ऊपर असर पड़ रहा है। मुरादाबाद का कारोबार वैसे ही कम होता जा रहा है और हमारी पॉलिसीज़ भी कुछ इस तरह की होती जा रही हैं जिससे कारोबार में बराबर कमी आती चली जा रही है और गरीब लोग भुखमरी की कगार के ऊपर आ गए हैं। फाकों की नौबत है इन लोगों के यहाँ। तो हम ये यही कहने आए थे कि इनको वो इतना वक्त दिया जाए कि गैस अवेलेबल हो जाए, उसके बाद आप कोई कोल की भट्टियाँ जो कोयले से चलती हैं उसको चाहें तो बंद करें। हम लोग गैस का भी जल्द से जल्द इंतज़ाम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है 1-2 महीने के अंदर इन लोगों को आसानी से सस्ती गैस भी अवेलेबल हो जाएगी।